पाठ चार, धारा विद्युत और चुंबकत्व। धारा विद्युत क्या है, चुंबकत्व क्या है, ये हम इस पाठ में अच्छे से पढ़ेंगे। इससे विद्युत धारा या धारा विद्युत और चुंबकत्व, पाठ चौथा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। परमाणु में कौन कौन से घटक होते हैं, तो परमाणु क्या है, परमाणु एक ऐसा अणु है या परमाणु है या ऐसा एक पदार्थ है जिसे हम और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे हम और काट नहीं सकते और छोटे छोटे अणुओं में बांट नहीं सकते। परमाणु में इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित कण, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, ऋण आवेशित कण, और प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसे होते हैं, धन आवेशित कण होते हैं, जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युतीय दृष्टि से उदासीन, उस पर कुछ भी असर होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें ऋण आवेशित कण और धन आवेशित कण दोनों पाए जाते हैं। फिर भी उनमें परमाणु पाए जाने के कारण उनमें ऋण आवेश और धन आवेश होता ही है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में समाविष्ट होता है। तो हमारे आसपास जो भी पदार्थ पाए जाते हैं सब में क्या होता है, विद्युत आवेश होता ही होता है। कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है, कांच का एक छड़ लो और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ो तो क्या होगा, पदार्थ आवेशित कैसे होते हैं, स्थिर आवेश और चल आवेश किसे कहते हैं। चल विद्युत एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होती है, यह ऋण आवेश होता है। चल ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो चल ऋण आवेशित कण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ये फिलअप में एक वाक्य के उत्तर में सही गलत में पूछा जाता है। यह क्या, यह ऋण आवेश प्रवाहित कर सकते हैं, पानी जिस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है उसी प्रकार विद्युत को प्रवाही बना सकते हैं क्या। स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ता है, कल ही पढ़े थे हम लोग बल और दाब वाले चैप्टर में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को अगर गतिशील करना है तो उसमें बल लगाना पड़ता है, जब उसको धक्का देंगे यानी बल लगा उस पर, तो यह तो हमने पढ़ा है। किसी सुचालक में से, सुचालक क्या होता है, सुचालक एक ऐसा पदार्थ या ऐसा तत्व तो होता है जिसमें से हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, विद्युत के सुचालक, सुचालक मतलब जिसमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है, जैसे कि लोहा, तार, ये सब। किसी सुचालक में से इलेक्ट्रॉन को यदि गतिशील करके प्रवाहित किया जाए तो हम धारा विद्युत प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। अब ये धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये पढ़ेंगे। जब बादलों से जमीन पर बिजली गिरती है, ये देखा है ना, बादलों से बिजली गिरती है, तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है, तो कोई भी संवेदना हमें मस्तिष्क की ओर जाने वाली सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से प्राप्त होती है। घर में तारों से, बिजली के बल्ब से, अन्य उपकरणों से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह का तुम्हें परिचय है ही। रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक सेलों में से और वाहन की बैटरी से धन आवेशित तथा ऋण आवेशित ऐसे दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का क्या होता है, निर्माण होता है। स्थिर विद्युत विभव, अबे विभव क्या होता है, नहीं पोटेंशियल। पानी अथवा द्रव पदार्थ ऊंचे स्तर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, किसी भी हम पानी को या जो तरल पदार्थ होता है अगर उसको हम ऊपर रखेंगे तो नीचे की तरफ आता है ना। नदी कैसे बहती है, ऊंचाई से नीचे की तरफ। उष्मा सदैव अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो उष्मा क्या होता है, उष्मा मतलब जो गर्मी होती है, वो उष्मा क्या होती है, कम तापमान वाली वस्तु से अधिक तापमान वाली, सॉरी, अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उसी प्रकार धन आवेश की प्रवृत्ति उच्च विद्युत स्तर वाले बिंदु से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होती। तो जो हमारे धन आवेशित विद्युत होते हैं वो क्या होते हैं, जिस तरफ विद्युत कम होती है उसी तरफ को आवेश होते हैं यानी प्रवाहित होते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को स्थिर विद्युत, स्थिर विभव कहते हैं। और जिससे हमें यह पता चलता है कि इस तरफ विद्युत कम है या इस तरफ विद्युत ज़्यादा है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थिर विभव। क्या कहते हैं,
विभव। विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जल प्रपात की ऊंचाई, गर्म तथा ठंडे पदार्थ के तापमान में पाए जाने वाला अंतर। इसी प्रकार दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे एक बिंदु है जहाँ विद्युत धारा बहुत ज़्यादा है, विद्युत उच्च प्रवृत्ति में है, और एक बिंदु है जहाँ पर विद्युत बहुत कम प्रवृत्ति में, तो इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तांबे के तार को जोड़कर आकृति 4.1 ये दिख रही है, तो तांबे के तार को जोड़कर दिखाए अनुसार परिपथ पूर्ण करो, ऐसा बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ऐसे ही दिखाई देता है, है ना? बल्ब लगा तो ऐसे ही दिखाई दे रहा ना कि इसमें से विद्युत धारा जा रही है क्या अभी? नहीं। अब इसी परिपथ में आकृति 4.1 आ ये दिख रहा है, अब बल्ब जल रहा है पीला कलर का, क्यों? देखो जो आकृति अ है और आकृति आ है दोनों में क्या अंतर है? पहली आकृति में यहाँ पर देखो प्लस माइनस कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरी आकृति में प्लस भी दिख रहा है और माइनस भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बल्ब जलने लगता है। ठीक है, देखो दिखाए अनुसार बाजार में उपलब्ध एक 1.5 वोल्ट का शुष्क सेल जोड़ो, इसमें क्या जोड़ा? ये सेल जोड़ा है। अब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यह बल्ब के प्रकाशित होने के कारण ध्यान में आता है ना। अभी देखो इसमें करंट है कि नहीं हमें पता चल रहा है, हाँ, क्योंकि इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। इसमें पता चल रहा है कि है, हाँ, क्योंकि बल्ब जल रहा है। अगर मैं एक तार ऐसे यहाँ पे फैला दूँ तो आपको पता चलेगा क्या कि उसमें करंट है कि नहीं? नहीं चलेगा, जब तक हम उसे छुएंगे नहीं या उसमें से बल्ब नहीं जलाएंगे तब तक पता नहीं चलता है, समझा? तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है हमें कैसे पता चलता है? बल्ब के जलने की वजह से। ये विद्युत सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं, और जो विद्युत धारा होती है, सॉरी, विद्युत सेल के दोनों सिरों में पाए जाने वाले विभवांतर के कारण सिरे तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। इस तार में क्या प्रवाहित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये विद्युत सेल के ऋण सिरे से, ऋण इधर है, यहाँ से कहाँ पर जाते हैं? धन सिरे की ओर। कहाँ जाते हैं? धन सिरे की ओर। सांकेतिक विद्युत धारा यह विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, और उसे तार के चिन्ह द्वारा आकृति में दिखाया गया है। तीर के चिन्ह द्वारा देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी बताया ना इसने, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण दिशा में जाते हैं, ऋण से प्लस की ओर, लेकिन हम इसे कैसा दर्शाते हैं? विपरीत दिशा में। तो विपरीत मतलब प्लस से ऋण की तरफ। विद्युत परिपथ क्या है वह इसी पाठ में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आकृति 4.1 आ में विद्युत सेल ना होने के कारण किसी भी प्रकार का विभवांतर नहीं है। इसमें विद्युत सेल नहीं है तो कोई भी विभवांतर नहीं है कि यहाँ पे विद्युत ज्यादा है, यहाँ पर विद्युत कम है, इसीलिए यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। परिपथ में विद्युत सेल के कारण विभवांतर का निर्माण होते ही स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस तार के अंदर भी विद्युत है, ऐसा नहीं कि विद्युत नहीं है, लेकिन वो अभी प्रवाहित नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत सेल अभी लगा हुआ नहीं है, इसलिए जो इसमें विद्युत धारा है वो क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर है। विभवांतर की ईएसआई प्रणाली में इकाई क्या है? वोल्ट है। इस विषय में अगली कक्षा में अधिक जानकारी और हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। अंडरस्टूड। अब आगे, किसी एक पानी के पाइप में आने वाले पानी का प्रवाह कैसे मापेंगे कि कितना पानी आ रहा है? विशिष्ट समय से उसमें कितने लीटर पानी बाहर निकला, इसके आधार पर वह ज्ञात कर सकते हैं, है ना? जैसे अगर हमने मोटर चालू किया और ड्रम में पाइप लगा दिया, है ना, तो मान लो अगर 10 मिनट में 100 लीटर पानी भरा, तो एक मिनट में 10 लीटर भर रहा है, तो हम पता चल गया ना कि एक मिनट में 10 लीटर पानी निकल रहा है। तो उसी तरह क्या हम विद्युत धारा को भी माप सकते हैं? आगे पढ़ेंगे। विद्युत धारा यह विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है, यह हमने देखा है ना, जब विद्युत आवेशित कण प्रवाहित होते हैं तभी विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। किसी एक तार में 1 सेकेंड से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ लेंगे। किसी एक तार में 1 सेकेंड में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे हम इकाई विद्युत कहते हैं। विद्युत धारा की ईएसआई प्रणाली में इकाई क्या होती है? कूलम होती है। विद्युत धारा की ईएसआई प्रणाली में इकाई कूलम प्रति सेकेंड अर्थात एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? कूलम प्रति सेकेंड। और कूलम प्रति सेकेंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं।
एक एम्पियर बराबर एक ए बराबर एक कूलम प्रति सेकेंड, यानी ए वन सी एस वन प्रति कूलम सेकेंड। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का कुछ भी लेन देन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत सेल के बारे में। किसी एक परिपथ में एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ऐसे एक सर्व सामान्य साधन को विद्युत सेल कहते हैं। देखो, किसी परिपथ में एक समान विद्युत आवेश प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है, और वो जो स्रोत होता है उसी स्रोत को हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं, जो सर्वमान्य होता है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के विद्युत सेल आज उपलब्ध हैं हमारे पास। आज बहुत सारे सेल मिलते हैं ना, घड़ी का सेल, रिमोट का सेल है ना, और एक छोटी वाली बैटरी मिलती है जिससे छोटा छोटा LED वगैरह जलाते हैं, इस तरह के बहुत सारे सेल हैं। वे हाथ घड़ी से लेकर पनडुब्बियों तक ऐसे अनेक यंत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं। विद्युत सेल के अतिरिक्त सौर सेल यानी सोलार सेल तुम्हें मालूम होगा। विभिन्न विद्युत सेलों का मुख्य कार्य उसके दो सिरों से विभवांतर मौजूद रखना है। विद्युत आवेश पर कार्य कर विद्युत सेल या विभवांतर को मौजूद रखता है। यह हम आगे पढ़ेंगे कि वह कैसे काम करता है। विद्युत सेल के कुछ प्रकार फिलहाल उपयोग में लाए जाते हैं, उस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला विद्युत सेल क्या है? शुष्क विद्युत सेल यानी ड्राई सेल। हमारे रेडियो संच में, दीवार पर लगी घड़ी में, बैटरी में इस शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। वे 3-4 आकारों में उपलब्ध हैं। शुष्क विद्युत सेल की रचना 4.2 आकृति में दिखाई गई है। इस तरह का सेल आप लोग अपने घड़ी में लगाते हो, दीवार घड़ी में लगाते हो ना, और कहाँ लगाते हो? रेडियो वगैरह में लगाते हो, टॉर्च भी आती है देखो सेल वाली, वहाँ पे भी लगाते हो, बराबर है? तो ये क्या है? शुष्क विद्युत सेल, जिसकी आकृति 4.2 में हमें अच्छे से दिखाई गई है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं कि ये बना क्या इसे होता है, इसमें क्या क्या होता है। एक अनुपयोगी हुआ शुष्क सेल लेकर उसके बाहर का आवरण निकाल देना है। जो खराब हो गया रहेगा सेल ना, उसके बाहर का आवरण निकाल देना है, उसे छील देना है। उसके अंदर एक सफ़ेद आवरण दिखाई देगा। जैसे ही एक परत निकालेंगे तो क्या दिखाई देगा? सफ़ेद सफ़ेद। यह जस्ते की धातु का आवरण होता है, ठीक है, जिंक। जस्ते के धातु का क्या होता है? आवरण। यह सेल का ऋण सिरा होता है। कौन सा सिरा होता है? माइनस वाला, ठीक है। अब यह भी आवरण धीरे से तोड़ दो। फिर क्या करना है? उसको भी तोड़ देना है। जस्ते के आवरण के अंदर एक और आवरण होता है। इन दोनों आवरणों में विद्युत अपघट यानी विद्युत अपलेशी पदार्थ भरा होता है। जो मेन पदार्थ होता है ये यही होता है, ठीक है, विद्युत अपलेशी, सॉरी विद्युत विश्लेषी पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? आयन। कौन कौन से आयन होते हैं? धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन पाए जाते हैं। उनके द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। यह विद्युत अपघट्य पदार्थ अर्थात जिंक क्लोराइड, ठीक है, ZnCl2 दैट इज जिंक क्लोराइड, और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, ये अणुसूत्र है, ये आपको भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, इनके गीले मिश्रण की लुगदी यानी प्रलेप लेप होता है। सेल के मध्य भाग में ग्रेफाइट की छड़ होती है, ये ग्रेफाइट का छड़ होता है, ठीक है। यह सेल का धन सिरा होता है। छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा होता है। इन सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों सिरों पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये शुष्क सेल कैसे काम करता है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हमने पढ़ा। अब आगे, इस विद्युत सेल से गीले मिश्रण की लुगदी का उपयोग करने के कारण रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से होती है। यह गीला रहता है इसलिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है कैसी होती है? एकदम धीरे धीरे होती है, मंद गति से। इसलिए इससे हम अधिक विद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते। द्रव पदार्थ का उपयोग करने वाले विद्युत सेल की तुलना में इनकी संग्रहण काल मर्यादा अधिक होती है। और ये शुष्क सेल में जो काल मर्यादा होती है, कब तक चलेगा, तो बहुत लंबे समय तक चलता है। शुष्क विद्युत सेल उपयोग में आसान भी होता है। आराम से बैटरी में लगा दो सेल, उसमें घड़ी में लगा दो, चलते रहेगा। कारण, वे खड़े आड़े तिरछे किसी भी तरह रखे जा सकते हैं। खड़ा रखना है खड़ा रखो, आड़ा रखना आड़ा रखो, किसी भी तरह से रख सकते हो। और चालक साधनों में आसानी से उपयोग लाए जाते हैं। लेड अम्ल विद्युत सेल 4.3 में लेड अम्ल विद्युत सेल की रचना दिखाई गई है। ये देखो रचना दिख रहा है।
उसका सिद्धांत देखेंगे कि यह काम कैसे करता है। इस प्रकार के सेल का विद्युत विमोचन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के बाद भी उसे पुनः विद्युत आवेशित कर सकते हैं। जैसे हम जिसे बोलते हैं ना चार्ज कर लेना रिटर्न, है ना, बहुत सी बैटरी खराब हो जाती है हम उसे चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल का बैटरी वो है। तो इसे हम कैसे काम करते हैं, लेड अम्ल विद्युत सेल के शीशे का एक विद्युताग्र तथा लेड डाइऑक्साइड या दूसरा विद्युताग्र तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबा हुआ होता है। ये देखो एक क्या है शीशा और एक क्या है लेड डाइऑक्साइड है, एक ऋणाग्र होता है और एक क्या होता है धनाग्र, और ये जिसमें डूबा होता है उसे हम क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इस विद्युताग्र पर धन आवेश तो शीशा इस विद्युताग्र पर ऋण आवेशित होता है, बताया मैंने भी लेड ऑक्साइड पर क्या होता है धन आवेश और पीबी यानी शीशा पर क्या होता है ऋण आवेश। दोनों में विभवांतर लगभग 2 वोल्ट का होता है, कितने का होता है, ठीक है। सेल के पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से दोनों विद्युताग्रों पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में लगे उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार के विद्युत सेलों की अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है और इसमें बहुत विद्युत धारा होती है। इसके कारण वाहनों में, ट्रक में, मोटरसाइकिल में अखंड विद्युत शक्ति पूर्ति वाले यंत्र यानी यूपीएस में लेड अम्ल विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। देखो कार में जो बैटरी लगी होती है, कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बड़े बड़े ट्रक्स में, तो वो बैटरी रिटर्न चार्ज कर लेते हैं उन लोग, ठीक है। अपने घरों में देखो वो लगा रहता है, क्या कहते हैं उसे, इन्वर्टर, देखो उसे भी रिटर्न चार्ज करते हैं, पहले हम उसे चलाते हैं फिर जब लाइट आती है तो वो लाइट से उठाता है चार्ज होते रहता है ना, तो कुछ इसी तरह का होता है वो। अब अगले देखो निकिल कैडमियम सेल। आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपकरण उपलब्ध हैं जिन्हें यहाँ वहाँ लेकर जाना पड़ता है, ऐसे साधनों के लिए निकिल कैडमियम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। यह सेल 1.2 विभवांतर देता है तथा इसे पुनः आवेशित किया जाता है, यानी ये जो निकिल कैडमियम सेल है हम इसे भी फिर से चार्ज कर सकते हैं। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सेल धारक आकृति 4.4 ये दिख रहा है सेल धारक ये वाला। विद्युत बल्ब और प्लग कुंजी को विद्युत वाहक तारों से जोड़ने पर तथा सेल धारक से शुष्क सेल रखने पर बल्ब प्रकाशित हो जाता है। सेल निकालते ही बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा खंडित हो जाएगी। अभी जैसे देखो अपन स्विच बोर्ड का बटन चालू बंद करते हैं, चालू करेंगे तो बल्ब चालू होता है यानी विद्युत परिपथ क्या होता है पूरी तरह से जुड़ जाता है, और जैसे बटन बंद करेंगे तो विद्युत परिपथ टूट जाता है। यहाँ देखो बटन ये उठ गया है तो बटन टूट गया यानी विद्युत परिपथ टूट गया, तो बल्ब क्या होता है बंद हो जाता है, ठीक है। इसका अर्थ है बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब प्रकाशित होता है। सेल निकालते विद्युत धारा खंडित हो जाता है और बल्ब प्रकाशित होना बंद हो जाता है। इस प्रकार से विद्युत घटकों के सुव्यवस्थित संयोजन को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस परिपथ आकृति 4.2 में दिख रहा है यहाँ पर, विद्युत सेल प्लस तथा माइनस इस चिन्ह द्वारा दर्शाया गया, ये प्लस माइनस यानी ये क्या है सेल है। हमारे घर में भी इसी प्रकार के विद्युत परिपथ का संयोजन होता है, परंतु विद्युत सेल के अतिरिक्त बाहर से तारों के आवरण विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इस विषय में आगे भी पढ़ेंगे सेलों का संयोजन यानी सेल कैसे लगाए जाते हैं। विद्युत परिपथ में कभी कभी एक से अधिक सेलों को एक साथ जुड़े हुए भी देखा होगा, ऐसा इसमें एक साथ बहुत सारे सेल हैं, है ना। ट्रांजिस्टर रेडियो 223 शुष्क सेल यानी श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। सर ये श्रेणी क्रम क्या है ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा करने पर उद्देश्य एक सेल के विभवांतर की अपेक्षा अधिक विभवांतर प्राप्त करना होता है। ऐसे सेल क्यों लगाए जाते हैं 2-3 सेल, ताकि विभवांतर ज़्यादा मिल सके, ठीक है। ज़्यादा विभवांतर रहेगा तो क्या होगा विद्युत धारा ज़्यादा मिलेगी हमको, ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत सेल आकृति 4.5 आ में पीछे दिखाए अनुसार जोड़ने पर उसे सेलों की बैटरी कहते हैं। इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से तथा दूसरे धन का सिरा तीसरे के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, जिससे यदि प्रत्येक सेल का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो तीनों सेल का मिलाकर कितना हो जाता है 3 वोल्ट, समझा। ये देखो 1, 2, 3, 4 है इसका, देखो अगर ये प्लस है तो प्लस वाला किससे जुड़ा जाके माइनस से, फिर अगले का प्लस किससे जुड़ा है माइनस से, अगले का प्लस माइनस से, ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। अंडरस्टूड, ठीक है। आगे देखो
धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। किसी एक अनुपयोगी माचिस के बॉक्स जैसे डिब्बे के अंदर वाला ट्रे ले लेना है, ठीक है, माचिस के अंदर का ट्रे, उसमें छोटी सी चुंबक सुई रख देना है। अब विद्युत सुचालक का लंबा तार लेकर उस ट्रे के चारों ओर ऐसे लपेट देना है। विद्युत सेल प्लग कुंजी, इसे तार तथा बल्ब से जोड़कर परिपथ पूर्ण करो, इसे बीच में जोड़ देना है। अब चुंबक सुई की स्थिति देखो, एक चुंबक पट्टी लेकर उस चुंबक सुई के पास लेकर जाओ, क्या दिखाई देगा? चुंबक सुई के तरफ नजर रखकर परिपथ की प्लग कुंजी दबाओ, बल्ब तो प्रकाशित होगा अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगी क्योंकि ये तार से लपेटा हुआ है। अंडरस्टूड? चुंबक सुई अपनी दिशा बदलती है क्या? अब प्लग कुंजी को खुला करो और चुंबक सुई पुनः अपनी मूल दिशा में स्थिर होती है क्या? इस प्रयोग से तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे? तो ऐसा अपने को एक प्रयोग करना है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे, चुंबक सुई अर्थात एक छोटा सा चुंबक ही होता है यह तुम्हें मालूम है। छड़ चुंबक को चुंबक सुई के पास लेकर जाने पर चुंबक सुई अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। कंपास मालूम है, जो लोग पहाड़ पकड़ पर लेकर जाते हैं तो दिशा बताता है नॉर्थ साउथ, ये वही है, ठीक है, देखा है। उसी प्रकार परिपथ में विद्युत धारा शुरू करने पर भी चुंबक सुई अपनी दिशा परिवर्तित करती है, यह भी निरीक्षण तुमने किया। अर्थात तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब जैसे हम इस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, तो इसके अंदर पूरा कौन सा क्षेत्र होता है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड इस वैज्ञानिक ने ऐसा निरीक्षण सर्वप्रथम स्पष्ट किया था। संक्षिप्त में ऐसा कह सकते हैं कि किसी विद्युत सुचालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने से उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। कृति दो, लगभग एक मीटर लंबे विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की नरम तार लेकर उसे लोहे के किल या स्क्रू पर कसकर ऐसे लपेट देना है। तार के दोनों सिरे आकृति 4.7 में दिखाए अनुसार विद्युत परिपथ के साथ जोड़ दिया। परिपथ में विद्युत सेल और प्लग कुंजी भी जोड़ दिया। स्क्रू के पास दो से चार लोहे की आलपिने रखो, स्क्रू के पास ऐसा आलपिन रखना है, ठीक है। अब प्लग कुंजी बंद करके परिपथ में से विद्युत प्रवाह करो। आलपिने स्क्रू के सिरे पर चिपकी हुई दिखाई देती हैं। प्लग कुंजी खुलते ही आलपिने चिपकी हुई स्थिति में ही रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी ना, छोड़ देंगी। बड़े बड़े कंटेनर्स को और बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को या बड़े जैसा भी भंगर वाले आते हैं, देखते हो ना, वो लोहे के चीज़ों को छोटे चुंबक से पहचान जाते हैं और उठा लेते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े यही वजनदार लोहा होता है ना, उसको उठाने के लिए इसी तरह के बड़े चुंबक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वो उठाते हैं उससे। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो लोहा चिपक जाता है, तो यहाँ से उठाएंगे उसको और मान लो वहाँ पर डंप करना है तो वहाँ पर लेके जाएंगे और वहाँ से फिर स्विच बंद कर देंगे तो क्या हो जाता है, वहीं पर गिर जाता है। तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्क्रू के चारों लपेटे गए तार के कुंडल से यानी कॉइल से चुंबकत्व का निर्माण होता है। इसी के कारण स्क्रू में चुंबकत्व भी आ जाता है। विद्युत प्रवाह खंडित होते ही चुंबकत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कुंडल एवं स्क्रू इस संहिता को विद्युत चुंबक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। अंडरस्टूड? आगे, विद्युत घंटी। घंटी भी देखा है, दरवाजे पे डोरबेल लगा होता है, बाहर बटन दबाएंगे तो अंदर डोरबेल बजता है, रिंग होता है ना। घरों के प्रवेश द्वार पर लगी सीधी विद्युत घंटी देखी है? ऐसी बंद पड़ी कोई एक घंटी खोलकर देखो। विद्युत घंटी का बाह्य आवरण निकाला गया है, हमें दिखाई देता है कि उसमें भी विद्युत चुंबक का ही उपयोग किया गया है। इस घंटी का कार्य कैसे चलता है हम देखेंगे। तांबे की तार एक लोहे के टुकड़े पर अनेक बार लपेटी गई है। ये देखो तांबे की तार, इसमें एक लोहे के टुकड़े पर बार बार लपेटा हुआ है, दिख रहा है। यह कुंडल विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करता है। एक लोहे की पट्टी मुंगरी के साथ विद्युत चुंबक के पास जुड़ी होती है। इस पट्टी के संपर्क स्क्रू होता है। विद्युत परिपथ आकृति 4.8 में दिखाए अनुसार संयोजित किया जाता है। स्क्रू पट्टी से जुड़ते समय परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, और इसके कारण कुंडल का विद्युत चुंबक बनता है। वह लोहे की पट्टी को आकर्षित करता है, लोहे की पट्टी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण घंटी पर यह मुंगरी जो रहता है ना, ये इस पर लगता है और ध्वनि का निर्माण होता है। परंतु उसी संपर्क स्क्रू का लोहे की पट्टी से संपर्क टूटता है और परिपथ का विद्युत प्रवाह क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। इस स्थिति में विद्युत चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है और लोहे की पट्टी पुनः पीछे की ओर आ जाती है।
उपर्युक्त क्रिया पुनः घटित होकर मुंगरी घंटे पर प्रहार करती है। यह क्रिया बार बार होती है और घंटे में ध्वनि घंटे से ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। अंडरस्टूड? समझा? और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके।